आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पी एच डी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को ना ये प्रोग्राम नंबर 4.22 अब आप लोगों को करवा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इसको जनरल प्रोग्राम भी आप लोगों का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसका वो जो दूसरे वाला प्रोग्राम है वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोग्राम क्या कहता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ लेंथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कि हमारे पास दो साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, एक ए और बी आपको गिवन है, और द एंगल इंक्लाइंड बाय दिस साइड, मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी आपको गिवन है, वो थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब आपने तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और फिर आपको वो ये भी कहता है कि हमें फिर इसके बाद वो कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया भी निकाल के बताओ। तो थर्ड साइड निकालने का फार्मूला आपके पास ये है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये देखा होगा। इसी तरह एरिया का फार्मूला आपके पास ये है। तो इसका मैं प्रोग्राम जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका प्रोग्राम हमारे पास क्या है। ये है हमारे पास प्रोग्राम इसका, इसके बारे में प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, इनकरेक्ट प्रोग्राम। ये जो वर्जन वन है ये इनकरेक्ट है, आप लोग अगर इसे करेंगे तो ये इनकरेक्ट ही होगा। आपको करेक्ट वाला वर्जन भी बताती हूँ, और इनकरेक्ट ये क्यों इनकरेक्ट है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखो, आपने प्रोग्राम ट्राइंगल वन इम्प्लिसिट वन, आपको उसमें नज़र आ रहा है ए नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, थीटा नज़र आ रहा है, एरिया आपने फाइंड करना है। आप उससे ए और बी मांगेंगे, थीटा मांगेंगे, वो एंटर करेगा, ए एंटर करेगा, बी एंटर करेगा, थीटा एंटर करेगा। ओके ठीक है, बात समझ आती है। प्रिंट आपने ए और बी, ये एक्स्ट्रा लाइन है, आप लोगों इसे रटे शटे ना लगाने बैठ जाइएगा, और ये बस ये दोनों लाइनें एक्स्ट्रा हैं। अच्छा आगे उसने फार्मूला यहाँ लिख दिया, आप ज़रा गौर से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ए पावर 2.0, और ये स्केयर रूट, स्केयर रूट, क्योंकि वो फार्मूला ये देखो ना, फार्मूले में हमारे पास ये स्केयर रूट यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे ये ए बी साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये पीछे फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन की टेबल गिवन है आप लोगों को, ये मैंने पहले भी दिखा दी थी। साइन के लिए हम एस आई एन यूज़ करेंगे, कोसाइन के लिए एस ओ सी यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए एस क्यू आर टी यूज़ करेंगे। तो ये सारी लिस्ट आपके पास है, पर ये बार बार पीछे से जाके देख लीजिएगा। तो अच्छा चलो, ये हो गया। अच्छा फिर अब आगे क्या हुआ, उसने ये चीज़ लिख दी, पावर उसने क्या डाल दी, ए पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर टू मल्टीप्लाई ए कोस थीटा, इस तरह से लिख दिया। इसी तरह साइन, ये एरिया निकालने का फार्मूला, ए बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय टू रख दिया, और प्रिंट करवा दिया, सी प्रिंट करवा दिया, और ये एरिया प्रिंट करवा दिया, और ये ख़त्म हो गया। इसके बारे में बता रहा है कि एक केयरलेस प्रोग्रामर इस तरह से प्रोग्राम लिखेगा, और उसने ये सारी करके एक एक उसने गलतियां बता दी हैं। डिवीजन बाय ज़ीरो, इससे हमारा डिवीजन बाय ज़ीरो की जगह वो कहता है बेहतर था कि आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइडेड बाय टू से बेहतर था आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि ये इससे पहले वाले भी सारे रियल होते, यहाँ पे भी सारे रियल होते। अच्छा फिर इसके बाद वो कहता है पावर में 2.0 लिखने से बेहतर आप 2 लिख देते तो ये बेहतर था, और यहाँ पे आपकी एक एक गलती ये बताएगा। अब जो अच्छे वाला वर्जन इसने बताया है ना, वो आपको दिखाती हूँ। प्रोग्राम ए बी सी डी, थीटा, एरिया और रेडियन और इन थीटा, मतलब आपको डिग्री, पीछे मैंने बताया, याद होगा मैंने बताया था आपको थीटा डिग्री में गिवन है, तो आपको उसे सबसे पहले आपको रेडियन में उसे कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट और रेडियन में होगा तो फिर आपको आंसर सही आएगा। थीटा डिग्री में, और आप उसका कोस, वो आप लोगों को पता है ये डिफरेंट, ये जो है ये डिफरेंट आंसर देते हैं। तो इस तरह अब आपको वो जो पाई है, पाई है तो पाई को हमने रियल पैरामीटर के से अलग कर लिया, ए और बी और थीटा की वैल्यू इस तरह से मांग ली, और ठीक है ये एक्स्ट्रा दो लाइनें हैं, आपकी मर्ज़ी लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। रेडियन थीटा निकालना है, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 कर लिया आपने। इसी तरह अब आपका थीटा जो है, जो डिग्री में गिवन था, वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब रेडियन में आ गया, अब इस रेडियन वाले थीटे को आप कोस में भी डालो, साइन में भी डालो, कोई मसला नहीं, इधर छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, ये हम कैलकुलेटर वहाँ पे करके देख लेंगे। तो ना तो ये हो गया ए, तो अब ये फार्मूला इसने लिख दिया, एंड में सी और एरिया उसने प्रिंट करवा दिया, ये प्रोग्राम हो गया एंड। तो ये अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसमें गलत प्रोग्राम लिखेंगे तब क्या होता है, सही प्रोग्राम लिखेंगे तब क्या होता है। चलें ठीक है, अब मैं इसका ब्लैक स्क्रीन पे चलती हूँ, वहाँ पे जाके आप लोगों को बाकी सारा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।